दिलावर? हाँ बाबा। क्या बात है, बहुत बेचैन नजर आ रहे हो। बाबा मेरा बेटा दिल्ली से वापस आ गया है। ये तो अच्छी बात है, तुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुश होना चाहिए। बाबा आया है वो तो खुशी की बात है, लेकिन अपना अकीदा बदल क्या है? तुझे अब पता चला, 4 साल पहले आधी रात को तेरे घर से निकला, क्यों? तब तूने नहीं पूछा कहाँ जा रहा है? हाँ मुझे पता था कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन इस काम के लिए जा रहा है वो मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार मिलो। दिलावर, मैं तेरे बेटे को अपने पास नहीं बुलाऊंगा, ना मैं उसके पास जाऊंगा। वक्त आने पर वो खुद बहुत मेरे पास आ जाएगा, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। भाई कलमा पढ़ के सुनाओ ना। तुमको हमारा कलमा पता है, तू तेरा काम कर। एक बार कलमा पढ़ के सुनाएंगे? एक बार बोला ना तो लेकर। तू किसको बोला? देख लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा कलमा पढ़ के सुनाइए ना। बेटा पूछते थे तो निकल। ऐसे नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। चलो। प्रेम प्याला चखा नहीं, ओ प्रेम प्याला, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं, प्रेम प्याला चखा नहीं, ओ प्रेम प्याला, प्रेम प्याला चखा नहीं। सूफी बना, सूफी बना तो क्या हुआ, प्रेम प्याला, ओ प्रेम प्याला, प्रेम प्याला चखा नहीं। तू तू करना बशीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुमने जमात के नाम पे गुंडागर्दी शुरू कर दी और अपने साथ ऐसे मवाली लड़कों को लेके घूम रहे हो जैसे बाजार में हफ्ता लेने घूम रहे हो। मैं कैसे कर रहा हूं वो तरीका नहीं देखेगा आप? पर मैंने इस काम को कितने उरुस तक पहुंचाया है उस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा। जनाब कितने साल हो आपको इस काम में? ये तो कोई सवाल है, और तुम क्यों जानना चाहते हो? अरे जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, बताइए तो सही। तकरीबन 15 साल। 15 साल? जो आप 15 साल में काम ना कर सके वो मैंने 15 दिन में कर दिया है। ठीक है ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जमात के नाम पे गुंडागर्दी करो और जमात का नाम खराब हो।
जनाब मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ आप वो ना देखिए, बल्कि ये देखिए मेरे जरिए कितने लोग जमात में शामिल हो रहे हैं वो देखिए। और आइंदा इस मौजू पे बात करनी हो तो आप मुझे फोन ना ही करें तो बेहतर होगा। अल्लाह हाफिज। बदतमीज, कुछ भी हो काम तो है माशाल्लाह। इतना फटेल आदमी इतना पैसा वाला कैसे हो गया? सब जमात की वजह से। भाई जमात में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है? चलो मिलके आते हैं। बाप बाप मुझे माफ करना। किस बात की दिलावर माफी? मेरे बेटे की वजह से यहाँ पे जानिनों ने आना बंद कर दिया है। दिलावर तेरा क्या कसूर? तेरा बेटा नादान है। वो जहां तक जाहरीन की बात है शराब और पानी में फर्क होता है। अगर बहुत प्यास लगने पर शराब पी लो तो वो दूसरे दिन सर दर्द का सबब बन सकता है। इंसान को अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी ही पीना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, ये प्यासे इस कुएं के पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कौन दे लोंडे? बासित भाई से बोल रहे। बासित भाई। हाँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। तू करना तू बया तू करना तू भया मुझ में रही ना हूँ वारी तेरे नाम के।
शक था। बासित भाई, बचपन से देख रहा हूं तुझे जमात से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि तू जमात की तरक्की से जलता है और अपनी हरकतों से बाज आ जा, वरना सारी शर्म लिहाज भूल के जो तेरे पिट्टों का हल कराए ना, समझा ना? अमजद, ये तुम नहीं, तुम्हारी कमीलमी और जहालत बोल रही है। मेरे रास्ते में आने की गलती मत करना, गलती तो मैंने की थी जो तुम्हारी बातों में आ गया। मेरी जमात को गाली दी तो फिर ठीक नहीं होगा? दवा के सजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा भी तो काम कर जो जमीन पे निशान रहे। यार हजरत कमरुद्दीन मियां, इन सब लोगों के पीर, बस अपनी इबादत में लगे रहते हैं और कोई मुसीबत का मारा इनके दर पे आए तो उसे भगा दिया जाता है। क्यों?